हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 19 जनवरी 2019 और यह हमारी 51वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भीम बैटिका शैल चित्र किस जिले में स्थित है? तो भीम बैटिका शैल चित्र रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में भीम बैटिका की गुफाएं भी स्थित हैं, तो ये आपको याद रखना है, भीम बैटिका शैल चित्र रायसेन जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सांची के स्तूप में लिखी जाने वाली कौन सी शैली है? तो सांची के स्तूप पर लिखी जाने वाली शैली है भरहूत शैली, तो इसका नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची के स्तूप को यूनेस्को में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर आपको बता दें, यूनेस्को में सांची के स्तूप को बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची के नाम से जाना जाता है। यह भी रायसेन जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है, भीम बैटिका की गुफाएं और सांची के स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का सांची के स्तूप में लिखी जाने वाली शैली है भरूच शैली, और बाकी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है बहुत। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये है सांची के स्तूप जो रायसेन जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मध्य प्रदेश में भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में भारत भवन की स्थापना 1982 में हुई थी, यानी 1982 में मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत भवन की स्थापना की गई थी। तो सही ऑप्शन है 1982 या 1982। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर दोनों सीरीज हराने वाली दुनिया की दूसरी टीम कौन सी बनी है? तो दुनिया की दूसरी टीम बनी है भारत। भारत ने हाल ही में वनडे और टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जीती है, जिस कारण यह दुनिया की दूसरी टीम बन गई है जो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऑस्ट्रेलिया को ही हराने वाली है। अच्छा, भारत दूसरी बनी है, तो पहली है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने 2009 में वनडे और टेस्ट दोनों सीरीज में ही ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी, और अब भारत ने हाल ही में इसे हराकर इतिहास रच दिया है। तो सही ऑप्शन है भारत। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस अभियान में मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। मध्य प्रदेश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पुरस्कार 24 जनवरी को दिल्ली में दिया जाएगा। अब ये 24 जनवरी को एक इम्पोर्टेंट डे आता है, उसके बारे में भी आपको बता दें, तो 24 जनवरी को बालिका दिवस एक इम्पोर्टेंट डे आता है, और इसी दिन मध्य प्रदेश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पुरस्कार में शीर्ष पर आने पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, राज्य स्तरीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता किस जिले में आयोजित की जाएगी? तो राज्य स्तरीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता रतलाम जिले में आयोजित की जाएगी, तो ये आपको याद रखना है, इसका सही ऑप्शन है रतलाम। क्वेश्चन नंबर सेवन है, किस नदी पर बनाया गया 64 साल पुराना ब्रिज हाल ही में गिराया गया है? तो 64 साल पुराना ब्रिज हडसन नदी पर बना था और इसका नाम है तपानसी। इस ब्रिज का नाम है तपानसी, जिन्हें हाल ही में गिराया गया है, और तपानसी की जगह एक दूसरा ब्रिज बनाया गया है जिसे मारियो क्यूमो के नाम से जाना जाएगा। यह ब्रिज 5 किलोमीटर लंबा और 419 फीट ऊंचा है। न्यूयॉर्क में यह ब्रिज बनाया गया है, और तपानसी ब्रिज के रिटायरमेंट की वजह से इसे तोड़ दिया गया है जो हडसन नदी पर बना था। इतना आपको याद रखना है। एक बार फिर आपको डिटेल में बता दें, 64 साल पुराना ब्रिज यानी तपानसी ब्रिज हाल ही में गिराया गया है। यह हडसन नदी पर बनाया था। तपानसी ब्रिज की जगह मारियो क्यूमो नामक एक दूसरा ब्रिज बनाया गया है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है और ऊंचाई 419 फीट है। इतना आपको हडसन नदी और इस ब्रिज के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पाकिस्तान का चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? तो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस सईद खोसा को बनाया गया है। ये
साकिब निसार की जगह चीफ जस्टिस होंगे और इन्हें आरिफ अलवी जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने चीफ जस्टिस की शपथ दिलाई है। एक बार फिर आपको बता दें, आरिफ अलवी जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने शहीद खोसा को चीफ जस्टिस की शपथ दिलाई है और साकिब निसार की जगह अब शहीद खासो खोसा जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। तो सही ऑप्शन है शहीद खोसा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री नवाचार उत्कृष्टता पुरस्कार से किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नवाचार उत्कृष्टता पुरस्कार से नीमच को सम्मानित किया गया है। तो सही ऑप्शन है नीमच। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश का एकमात्र इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो देश का एकमात्र इन्फेंट्री म्यूजियम महू में बनाया गया है। तो सही ऑप्शन है महू। तो इतना आपको याद रखना है, इन्फेंट्री म्यूजियम जो है वह महू में बनाया गया है और ये इंदौर की एक तहसील है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंब। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये है मलखंब जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, हृदय स्टेट और टाइगर स्टेट यानी उपरोक्त सभी इन तीनों नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सोयाबीन की ज्यादा पैदावार होने के कारण सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश जो है वो भारत के हृदय में बसा है जिस कारण इसे हृदय स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और टाइगर की बहुलता के कारण यह टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, हृदय स्टेट और टाइगर स्टेट उपर्युक्त सभी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।